ठीक है, जो अगर उनका पॉइंट रेट देख मतलब उनका परफॉर्मेंस देखे इस आशिया कप में, और इंडिया ने तीनों मैच दुबई के ग्राउंड में खेला है। तो अगर आप बात करें अगर हांगकॉन्ग के वर्सेस, उन्होंने 21 रन निकले 161 स्ट्राइक रेट से, फिर रन रेट ओके तो 20 रन बनाए। और उसके बाद पाकिस्तान के फर्स्ट मैच में बोले तो उन्होंने 12 रन निकाले, वो थोड़ा सा डाउन हो गया, उन्होंने वहाँ पर टाइम लेके फिर बाद में हिटिंग करा लेकिन वो नहीं जम पाए। सो उसके बाद उन बोले उन पाकिस्तान के सेकंड मैच में उन्होंने स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है और उनके विकेट वो नहीं गिरे तो वो 50 का बहुत रन बनाए रहे उनका। लेकिन उनका ऐसा है कि पाकिस्तान के सामने उनकी अभी तक 50 नहीं है ऐसे बोलते, मतलब कुछ होंगी लेकिन अभी जब देख रहा हूँ मैं तो अभी तक उनका परफॉर्मेंस ठीक है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन 50 मतलब अच्छे रन नहीं बना पा रहे हैं। खेलने के वजह से उनका परफॉर्मेंस पता ही था लोगों को, अच्छा ही होगा। देन अगर अपन कोहली अपना किंग कोहली भाई, इसका तो बात छोड़ो भाई, फॉर्म में आते भाई रन बनाता है भाई का स्वैग ही ऐसा है, रन आए एक बार बैट को लगे तो वो रन बनाते ही है ऐसे 2, 4, 12, 20, 30 पे थोड़ा 30 से अबाउ। सो देखो हांगकॉन्ग के वर्सेस उन्होंने 59 रन निकले, उनका 134 स्ट्राइक रेट था, सॉरी स्ट्राइक रेट रन रेट स्ट्राइक रेट ओके। सो उसके बाद पाकिस्तान के पहले मैच में उन्होंने स्टार्टिंग की, उनका उतना टच नहीं था, तब उनका फॉर्म आया पाकिस्तान के वर्सेस 35 रन बनाए 102.94 उनका स्ट्राइक रेट था। और सेकंड मैच की बात करें तो भाई ने छाड़ डाला था मैच में, ज़बरदस्त बैटिंग की थी बट एंडिंग में थोड़ा सा उनकी विकेट नहीं गिरी थी तो अपने और रन बढ़ते तो थोड़ा और चांस बढ़ते थे इंडिया जीतने का, लेकिन कोई बात नहीं, मूव ऑन जस्ट मूव ऑन, कोई बात नहीं है, फाइनल में मिलेंगे पाकिस्तान से तब देखते हैं ठीक है। तो भाई ने सेकंड मैच जब सेकंड मैच पाकिस्तान से खेले थे तब 60 रन निकाले और स्ट्राइक रेट 136 था, अच्छी बैट की थी। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन है इंडिया के लिए। थर्ड ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, इनका एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है, बाकी दो मैच में डिसेंट परफॉर्मेंस है क्योंकि वो तभी हर बार शॉट मारते हैं उनका कोई सही रहा, मतलब उनको थोड़ा अग्रेसिव खेलते हैं लेकिन उनका अग्रेसिव शूट हो गया जम गया तो परफॉर्मेंस बेटर करेंगे और मुझे आज भी लगता है वो बट परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे क्योंकि इससे पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी टफ थी, थोड़ी नॉट मच, बाकी एज कम्पेयर मतलब है अभी भी है, इसने बोल सकते थे कि उनकी बैट बॉलिंग उतनी टफ नहीं थी, बॉलिंग अच्छी थी बट थोड़े एक दो प्लेयर मिसिंग है इसमें, थोड़ा चांस था उनको कि रन बनाए पाकिस्तान बट बैट लक वो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी श्रीलंका वर्सेस में लगता है वो भी बैटिंग आई तो वो हम अच्छे करेंगे ठीक है। उसके बाद अपन बोलते हैं हार्दिक पांड्या भाई, हार्दिक पांड्या ने हांगकॉन्ग के खिलाफ ने खेला है पाकिस्तान के फर्स्ट मैच और सेकंड मैच दोनों मैच में खेला है। फर्स्ट मैच में फिनिशिंग रन निकाले 33 रन निकाले, इनका स्ट्राइक रेट 194 था और विकेट उसके बाद विकेट भी लिए थे 3 विकेट्स, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे बैटिंग भी ज़बरदस्त। बट सेकंड मैच में वो तो मुझे लगता है उन्होंने पाकिस्तान ने सेकंड मैच में पूरा स्टडी कर दिया था हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की, बैलिंग बॉटिंग सबकी तरफ से, इसलिए मुझे लगता है और उनका लग भी गंदा था उसकी कि वो जस्ट टच मतलब प्लेट करने गया लेकिन वो स्टिकर पे बॉल लग के वो कैच गई थी वो भी गए। सो बॉल में एक विकेट मिली लेकिन भाई को ढो डाला था, मतलब 42-43 समथिंग 4 ओवर में उन्होंने दिए थे, सो बहुत बड़े ओवर दिए थे उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं होता रहता है। सो लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उनका रन रेट उनका अच्छा ही है परफॉर्मेंस, और अपन इनकी हिस्ट्री देखे तो परफॉर्मेंस अच्छा ही है, और आज अगर उनको बैटिंग तो मुश्किल है, आज बैटिंग मुश्किल है लेकिन बॉलिंग तो मिल नहीं गई, ये तो दो तो मिनिमम दो तो और डालेंगे, बाकी अगर बॉलिंग कौन से फास्टर बॉलर आए इन होए या फिर कोई स्पिनर भी आए तो उनकी एक दो ओवर मिनिमम फिक्स करेंगे क्योंकि रोहित शर्मा का पता है वो बॉलिंग की कितना फायदा रख सकता है। सो इंडिया की ये चार ऑप्शन है बैटिंग के लिए, उसके अलावा हम जाते हैं बॉलिंग के लिए। बॉलिंग में दो ही बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, वो भी फास्टर्स रोहित कुमार अर्शदीप सिंह, क्योंकि देखिए हमें अगर पूरे रिकॉर्ड चेक किया मैंने आशिया कप में जब भी टीम खेली है उस ग्राउंड में मोस्ट ऑफ 80%
विकेट फास्टर लोगों ने लिया है, स्पिनर ने भी लिए हैं, लेकिन वो स्पिनर कौन से हैं? अफगानिस्तान के मोस्टली स्पिनर्स अफगानिस्तान के, उन्हीं विकेट वैसे लिए हैं। और पाकिस्तान के भी एक है स्पिनर रिजवान, आई थिंक सो, हाँ मोहम्मद रिजवान, नहीं उतने खास नहीं विकेट लिया, लेकिन दो दो विकेट निकले हैं, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं है स्पिनर्स इस मेरे हिसाब से, इसलिए फास्टर ही मैं इंडिया की तरफ से लूँगा। स्पिनर भी ले सकते हो आप, रवि बिश्नोई भी हो सकता है, खेल सकते हैं, फिर चहल से खेल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चहल को इस मैच में मेरे ख्याल से बैठा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं बैठाएंगे, क्योंकि हो सकता है नीचे वो नीचे ऊपर होता है, क्योंकि उन्होंने भी 43 रन दिए हैं पाकिस्तान के हिसाब से, बट ठीक है देख लेते हैं। अभी देख लो आपको उधर में से कौन लेना है, मेरे हिसाब से स्पिनर का उतर चलेगा नहीं, क्योंकि श्रीलंका को पता है, श्रीलंका स्पिनर खेल चुके हैं और आईपीएल में भी एक दो जने खेल चुके हैं, तो उनको पता है चहल के और रवि बिश्नोई की बॉलिंग कैसी है, और स्पिनर वो भी खेल चुके हैं, उनके पास भी स्पिनर है, उनको भी अंडरस्टैंडिंग है क्या स्विंग होता है, तो वो स्टडी करके वो एक तो काम करेंगे कि स्पिनर को हिटिंग ही नहीं करेंगे, जो रन बन रहे हैं और अगर गंद कोई खराब डिलीवर है उस पर शॉट मारेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग करके वो बैटिंग करेंगे स्पिनर के हिसाब से, तो इसलिए हमें ख़ास विकेट मिलने बहुत कम परसेंटेज है। तो जैसे देन अगर अपन जाते हैं अभी, मतलब भुवनेश्वर कुमार अश्विन उनके बोलते हैं हांगकॉन्ग के साथ दोनों ने एक एक लिया थे, पाकिस्तान फर्स्ट मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस के, दोनों ने 4-2 विकेट लिया है, रन भी बहुत कम दिए थे, वो अच्छे निकालते, बट पाकिस्तान के सेकंड मैच में अभी जो लास्ट वीक मैच उसमें भुवनेश्वर कुमार की तो फर्स्ट 3 ओवर तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे उन्होंने निकाले, बहुत ज़बरदस्त ओवर निकाले स्टार्टिंग के थी, बट लास्ट के 19 ओवर में 19 रन दिया, वो मैच का टर्निंग कोई नहीं होता रहता है, बॉलिंग मतलब फील्डिंग ऐसे लग सकती है, फील्डिंग कम हो सकती है क्योंकि पेनल्टी भी लगी थी, उसकी वजह से वो कवर के ऊपर से शॉट मारे, इसलिए वो दो चौके मिले, उसकी वजह से वो दो चौके नहीं मिले तो मैच का अलग कर सकता था जाने दो। तो अर्षदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, ऐसे नहीं इन सारे मैच में देखे उनके रन 27, 28, 27, 28 इसकी एन एवरेज में है, 30 के बाद उनका नहीं गया, एक हाथ मैच भी नहीं गया सकता, लेकिन मैंने अगर देखा मैंने देखा था उनका 27 पाकिस्तान के लास्ट मैच में देखा, मतलब उनकी बॉलिंग अच्छी है ठीक है, और लास्ट ओवर में उन्होंने उनको पाँच ही रन थे लास्ट ओवर में, वो भी उन्होंने लास्ट के 5th बॉल तक मैच ले गए थे, तो देख सकते आप सोच सकते हो अच्छा बेटर हो सकते ये हो सकते हैं। सो उसके बाद बन जाते हैं श्रीलंका की बैटिंग, श्रीलंका की बैटिंग में मैंने 4 लिया है, उसमें से कुशल मेंडिस बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑन बेस्ट है, क्योंकि उनकी पहली फर्स्ट मैच अगर छोड़े अफगानिस्तान के, वो सेकंड मैच देख सकते हैं आप बांग्लादेश के सामने 60 रन 161 स्ट्राइक रेट से, और सेकंड और अफगानिस्तान के सामने सेकंड मैच वो मैच थे शारजाह में, वहाँ पे उन्होंने बताया 36 रन बनाए हैं 189 के स्ट्राइक, तो ऑप्शन बेटर है अगर आप श्रीलंका से कोई प्लेयर लेना है बैटिंग का तो कुशल मेंडिस ले सकते हो। उसके बाद बेस्ट सेकंड ऑप्शन है जो है बी राजपक्षे, ये भाई ये प्लेयर बहुत जबरदस्त है, बहुत हिटिंग के लिए जबरदस्ती दस्त है, क्योंकि ये मतलब कैसे अगर मैं बोलूँ बात करूँ अगर अफगानिस्तान के पहले मैच की जो वहाँ पे इन्होंने 38 रन बनाए 131 जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे भाई, इनको जैसे मतलब ये अपर कट मारने गए थे और इनको मतलब प्लानिंग करके आउट किया था उस टाइम, क्योंकि फील्डर भी वहाँ पे थे पीछे मतलब अपर वो बाउंड्री लाइन पे बैक साइड में और बाउंस डाले भाई ने अपर कट मारी, वो उसको उतनी हाइट नहीं मिल पाई इसलिए वो बाउंड्री के बाहर पार नहीं हुआ, बाउंड्री पे फील्डर था उसके हाथ में कैच गया, नहीं तो उस टाइम अगर वो कैच अगर मिसमैच हो सकती है या फिर वो ऊपर से अगर बाल गया होता छक्का तो उस बार तो अफगानिस्तान में हारने वाला था, क्योंकि बहुत अच्छी टीम कर रहा था राजपक्ष। जिन अगर सेकंड मैच में बात कर रहे हैं अब बांग्लादेश के सामने तो जल्दी आउट है, लेकिन अगर अपन फिर से अगर बात करें अफगानिस्तान की सेकंड मैच की वहाँ पे भी अच्छे खेले 33 रन निकले 221 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे खेल रहे थे वहाँ पे भी, वो हिटिंग के लिए वो जबरदस्त है, क्योंकि अगर बात करें बॉलिंग का बॉलिंग में अब बांग्लादेश के सामने बस एक ही फास्टर अच्छा थे, बाकी उतनी बॉलिंग उतनी बेटर नहीं थी,
बट वो लकमान भाई वो आउट हुए थे, लेकिन अफगानिस्तान का बोले उनके पास स्पिनर फास्ट बॉलर एंड एवरेज अच्छे थे, उनके सामने उन्होंने रन बनाए तो सोच सकते उसके ऊपर। उसके बाद अपन जाते हैं थर्ड ऑप्शन श्री कुररत्ने। कुररत्ने बॉलिंग भी डालते हैं, बॉलिंग में उन्होंने बांग्लादेश के सामने उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, बाकी दोनों मैच में अफगानिस्तान के सामने उन्होंने विकेट नहीं निकाले, लेकिन बॉलिंग डाला है तो मतलब इन ऑलराउंडर ऑप्शन में आएंगे ये। तो बैटिंग भी ठीक है, मतलब आप अगर चाहते हो किसी को कि बॉलिंग भी और बैटिंग में भी अगर है उसको लेना है मतलब ऑलराउंडर में, तो ये ऑप्शन है, क्योंकि ये ओवर तो डालते हैं, ये फिक्स ही है, ये 2-3 ओवर डालती है, मतलब 4 ओवर डालते हैं, बट अगर कुछ करना तो लेकिन मिनिमम 2-3 ओवर डाल देंगे, ये फिक्स है, तो ये भी ऑप्शन ले सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं फोर्थ ऑप्शन शनाका, श्रीलंका कैप्टन। बट बैटिंग में बहुत अच्छा है ये, अगर ऊपर में आएंगे मतलब ये अगर ये थोड़ा नीचे में जाते ऊपर में अपना ऑर्डर अप किए और आगे मतलब थर्ड डाउन या थर्ड या फोर्थ डाउन में अगर आए तो बैटिंग अच्छे करने में टाइम भी मिलेगा और अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर ये थोड़ा ऊपर में आएंगे ऑर्डर में तो बैटिंग भी अच्छी करेंगे, बॉलिंग भी डालते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के सामने नहीं डाला है उन्होंने, बांग्लादेश के सामने डाला था तो 2 विकेट लिए और 45 रन में निकले, अच्छी निकले। ये भी अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है पाकिस्तान मतलब श्रीलंका का, कि बैटिंग भी और बॉलिंग भी दोनों ऑप्शन ठीक है। और अपन जाते हैं अभी श्रीलंका के बॉलिंग के ऑप्शन में, सो 2 ऑप्शन है मेरे हिसाब से, एक तिश्ना और हसरंगा। तिश्ना बॉलिंग अच्छा डालता है, मतलब उनके उनकी हिटिंग कम होती है, अगर उसकी हिटिंग आए तो विकेट मिलते हैं, तो उसको इंडिया की टीम और ऐसा नहीं, इंडिया को पता है बॉलिंग कैसे गिरती है इन लोगों की, सो विकेट मिलना मुश्किल है। हाँ लेकिन हसरंगा को मिल सकते हैं, क्योंकि हसरंगा कैसे स्पिन भी है और हिटिंग भी करने गए तो हिट मोस्ट ऑफ द लोग इसको हिटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हिटिंग गया तो विकेट मिलते हैं, इसलिए मोस्टली अभी आजकल उसको विकेट नहीं मिल रही इसीलिए, क्योंकि इनको हिटिंग नहीं करते, हिटिंग करने गए तो विकेट मिलते हैं। सो बट मुझे आज लगता है अगर इसके ओवर कुछ एंडिंग के लिए मतलब 12-13 ओवर के आसपास अगर बचे रहेंगे 1-2 ओवर, उस टाइम इंडिया अगर हिटिंग करने गया तो उसको विकेट मिल सकती है, तो बॉलिंग के लिए ये ऑप्शन मेरे ख्याल से हसरंगा तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग में ऑर्डर में भी जल्दी आ जाते हैं, शनाका के भी आगे आ जाते हैं, श्रीलंका और कुररत्ने के भी आगे आ जाते हैं, मतलब 4th नंबर आसपास जाते हैं शायद हसरंगा, 4th या 5th। बैटिंग में भी मिल कुछ पॉइंट में दे सकते हैं, बॉलिंग में तो दे ही सकते हैं। सो और ये मेरे प्लेयर्स हैं जो अच्छे खेल सकते हैं आज मेरे हिसाब से, अगर मैं बना रहा हूँ ड्रीम इलेवन और माय इलेवन के, तो मैं सिलेक्ट करूँगा। हाँ और एक बताना था मुझे इंडिया की टीम में बैटिंग के लिए यहाँ पे इन्हें डाला है के एल राहुल, मेरे ख्याल से भी वो ऑप्शन भी अच्छा है, अगर आप हार्दिक पांडे को नहीं ले रहे तो उसकी जगह आप वो लिख सकते हो, क्योंकि हार्दिक पांडे को ओवर मिलेंगे पर बैटिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया के मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि इंडिया की आज विकेट 2-3 मैक्स 2-3 दैट्स इट, उसके ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो आप इंडिया के 2 ओपनर ले सकते हैं, रोहित शर्मा KL राहुल, और उसके बाद कोहली तो फिक्स ही भाई, कोहली को छोड़ना ही नहीं है ये बात फिक्स कर लो, क्योंकि कोहली को छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे पॉइंट पे, क्योंकि कोहली का कंसिस्टेंस है बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि एक तो विकेट गिरने ही वाली है इंडिया की 10वीं ओवर में मेरे या फिर पहले ओवर में गिरेगी, तो उसकी जगह कोहली तो फर्स्ट डाउन आएगा, बाकी बैटमैन को छोड़ दो, लेकिन कोहली रोहित ये दोनों फिक्स चाहिए हमारे टीम में। उसके बाद बोले अपन KL राहुल, तो KL राहुल का फॉर्म ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत गंदा है, क्योंकि उन्होंने वो टाइम ले रहे हैं और टाइम लेके भी हिट बाद में नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी श्रीलंका के सामने वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि उनका है उन्होंने रन बना है श्रीलंका के सामने, तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा, क्योंकि उन्होंने रन बना रहे हैं
लास्ट मार्च में उन्होंने भी 20 आसपास रन बनाए, तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं, आप उसको भी ले सकते हो, और मेरे हिसाब से उसको लेना चाहिए हार्दिक पांड्या के जगह। तो वो भी मतलब इंडिया के तीन प्लेयर को भी मैं बता दूँ, केएल राहुल, रोहित शर्मा, कोहली, ये तीन पिक्स चाहिए। उसके बाद जाते हैं अपन सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य कुमार भी मेरे ख्याल से रखना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि और एक दो विकेट गिर गए तो सूर्य की बैटिंग आएंगे, और सूर्या की बैटिंग आई तो सूर्या तो हिटिंग ज़बरदस्त करना होगा, वो तो ऑप्शन है इसमें। तो ये चार प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो टॉप फोर प्लेयर इंडिया के होने चाहिए, क्योंकि वो बैटिंग करेंगे और परफॉर्मेंस भी करेंगे ही, मतलब करेंगे, एक दो कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन करेंगे मेरे हिसाब से चार। उसके बाद हार्दिक पांड्या ले सकते हो आप, क्योंकि हार्दिक पांड्या बैटिंग का तो मैं नहीं बोल सकता, बैटिंग आना मुश्किल है, पर बॉलिंग में इसको दो ओवर देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे बॉलिंग तो करवाने वाला ही है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप के हिसाब से सोचे तो उसको बॉलिंग देना ही देना ही, तो वो ऑप्शन के लिए तो दो ओवर डालेंगे, मिनिमम दो ओवर डालेंगे, ये बात तो सही से, तो आपको बॉलिंग से पॉइंट दे सकता है, लेकिन बैटिंग को सोच सकते तो आप बॉल बैटिंग में तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है ऐसा लगता है। अगर कुछ फॉल ऑन हो, मतलब इंडिया जल्दी जल्दी विकेट गिरे तो आ सकते बैटिंग, ठीक है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के बाद ऋषभ पंत आएगा, फिर हार्दिक पांड्या, तो मुश्किल है। उसके अलावा बॉलिंग के बोले तो अपन इंडिया के पास अभी के चार ऑप्शन है अभी बोल सकते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अर्षदीप, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई और युवराज चहल, इन दोनों में से दोनों भी खेल सकते हैं या फिर एक भी खेलेगा, पर मैं डिपेंड रहूँगा फास्टिंग बॉलर पे, फिर स्पिनर को एक हाथ विकेट मिलेंगी या फिर नहीं मिल सकती, क्योंकि श्रीलंका को भी पता है स्पिन कैसे होता है, तो इसलिए भुवनेश्वर कुमार का बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से बॉलिंग में। तो मैं बोलूँगा कि भुवनेश्वर कुमार को टीम में रखो ही, क्योंकि वो पावर प्ले में दो ओवर डालेंगे, बीच में एक आधी ओवर डालेंगे, और लास्ट मतलब 18-19 ओवर में भी एक लास्ट ओवर डालेंगे, तो उनमें विकेट लास्ट के ओवर में हिटिंग करेंगे तो वहाँ पर विकेट मिलेंगी पावर प्ले में, तो अगर उनको स्विंग का फायदा हुआ, स्विंग हुआ, तो भाई भुवनेश्वर कुमार बहुत डेंजर होगा, और पहले दो ओवर में तो उनके विकेट ले गए थे स्विंग मिला तो। अर्षदीप का बोले तो अर्षदीप डेथ ओवर में बॉलिंग डालेंगे, वो भी अच्छा है ऑप्शन, अगर आपको बॉलिंग में कोई प्लेयर लेना है तो इंडिया को अर्षदीप, ठीक है। चलो फिर अगर मैं अगर प्लेयर बोलूँ इंडिया के से तो क्या बोलूँ, केएल राहुल, रोहित शर्मा, कोहली, सूर्य कुमार यादव, चारों फिफ्थ भुवनेश्वर कुमार, ये हो गए पाँच, फिर बाद में सोच सकते बाकी के अगर मैं सकता हूँ तो श्रीलंका की तरफ से मैं लूँगा कुशल मेंटिस, ऑप्शन अच्छा ही है और बैटिंग भी करेगा लगता मुझे। उसके बाद बोलूँ तो मैं राजपक्षे और कररत्ने, ये तीन मतलब 5, 6, 7, 8 हो गए। बॉलिंग में बोले तो मैं हसरंगा के साथ जाऊँगा, कररत्ने भी ओवर बॉलिंग डालते हैं, मतलब वो एक बॉलर हो गया अपने पास और ये हसरंगा पे एक बॉलर हो गया, मतलब कितने हो गए, इनके हो गए 1, 2, 3, 4, 4 और 5, 9 हो गए, अभी बचे अपने पास तीन प्लेयर। मैं और इनके तरफ से लूँ देन तो शनाका इंडिया के सामने बॉलिंग मुझे लगता है बॉलिंग लेने, क्योंकि वो क्या कर रहा है ठीक है, मतलब उतनी मतलब टॉप टीम पे वो बॉलिंग डाल, मतलब अफगानिस्तान की बैटिंग अच्छी थी इसलिए उन्होंने उस टाइम में बॉलिंग नहीं डाला, बांग्लादेश की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी इसलिए वहाँ पर डाल रहा है, तो इंडिया के हिसाब से मैं इंडिया के सामने मेरे हर साथ नहीं डालूंगा, पर डाल ही नहीं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बैटिंग तो अच्छे करते हैं, अगर बैटिंग में आए तो रन बना देंगे, पर मेरे हिसाब से खास इफेक्टिव नहीं होता है, तो अगर आपको लगता है इसको शनाका ले सकते हो, मेरे हो गए 9 प्लेयर, 10 प्लेयर मेरा होगा, मैंने और लिख दिया, 10th प्लेयर हो गया मेरा अर्षदीप, और 11th प्लेयर होगा मेरा शनाका, क्योंकि शनाका भी बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी कर सकते हैं और ठीक ठाक तरह से नहीं बोल, और बैटिंग तो आने वाली चाहिए मैं फिक्स बोल सकता हूँ।
वो पहली बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, उनकी बैटिंग तो आने वाली है। तो अपनी क्या होगी, ये चार, ये पांच, इंडिया के पास केएल राहुल, रोहित, कोहली, सूर्या और शदीप मोहित कुमार 11 प्लेयर रखने। अगर आप अभी सोच रहे होंगे तो कैप्टन किसे करें, कैप्टन का ऑप्शन बेस्ट में मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है आज कि अपने ओपनिंग 70 to 80 रन ओपनिंग, मतलब जो ओपनर है वो टोटल मतलब दोनों मिला के बनाएंगे 70 to 80 रन, और प्ले के बाद सातवें छठवें सातवें आठवें ओवर तक वो 70 to 80 रन बनाएंगे, 10 के 100 के आसपास पकड़ इन एवरेज पकड़ रहा हूँ मैं, 8-7-8 ओवर पर इन 70 के ऊपर बनाएंगे वो, उसमें से दोनों अच्छे खेलेंगे। बट मुझे लगता है कि रोहित हिटिंग करके वो 50 तो बनने वाला ऐसा लग रहा है, 50+ रन है रोहित के। केएल राहुल का कैसा बैट, मतलब वो शॉट बराबर बैट नहीं रही है, वो टाइम लेगा खेलेगा, अगर उसको टाइम लेके अगर खेल रहा ना अच्छा जमा तो फिर वो भी अच्छे खासे रन बनाएगा बनाएंगे। सो मेरे हिसाब से कैप्टन आप रख सकते हो रोहित शर्मा। उसके बाद अगर वाइस कैप्टन का मैं बोल दूँ, मतलब दो ऑप्शन है आपके लिए कैप्टन के लिए, रोहित शर्मा, कोहली। कोहली बैटिंग है तो कोहली, मैं कोहली का थोड़ा सा प्रिफरेंस कैप्टनशिप क्यों नहीं दे रहा पता है क्या, ऐसा भी हो सकता है इंडिया की 12-13 ओवर तक इंडिया की एक भी विकेट ना गिरे। सो फिर बाद में कोहली 14-13 ओवर में आएंगे तो हिटिंग भी करेंगे, 10-20-20-30 रन आउट भी हो सकते हैं, फिर 20-30 रन भी बना सकते हैं। तो इसलिए अगर इंडिया की जल्दी विकेट गिरी तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है विराट कोहली को ज़्यादा, विराट कोहली भी खेलेंगे ऐसा कुछ नहीं, बैटिंग थोड़ी कैप्टन के लिए तो नहीं बोल सकता हमने, बैटिंग कर रहा है ठीक है। सो मेरे गर्ड फीलिंग भी ऐसे आ रही कि रोहित शर्मा 50 तो करने वाला है, सब फिक्स ही मिल रहा है। उसके बाद अगर वाइस कैप्टन सोच रहे हैं आप, तो वाइस कैप्टन को आप कर सकते हो राजपक्षे को या फिर कोहली को ही कर सकते हो, या फिर थर्ड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन, मतलब इन तीनों में से अगर मैं बोलूँ आपको तीन ऑप्शन दे सकता हूँ मैं वाइस कैप्टन के लिए, कोहली, राजपक्षे, केएल राहुल, क्योंकि बॉलिंग में विकेट ज़्यादा फॉल नहीं होने वाले ऐसा लग रहे हैं, श्रीलंका के हो सकते हैं लेकिन मतलब कैसा अर्षदीप दो, भुवनेश्वर दो, या फिर भुवनेश्वर तीन अर्षदीप दो, या फिर अर्षदीप तीन भुवनेश्वर दो, रवि बिश्नो या फिर स्पिनर जो होंगे उसमें एक दो विकेट, एक आध रन आउट, या फिर एक आधे हार्दिक पांड्या ऐसे मिलने आते हैं। तो एक ही सोचते हैं बॉलर को नहीं कि 4-5 विकेट ले जाएंगे, ऐसे नहीं, कोई दो तीन ही होने वाले। सो इसलिए बॉलर को भी वाइस कैप्टन रखने मतलब नहीं है। सो ऐसा है, मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे कौन कौन प्लेयर होंगे, रोहित शर्मा, केएल राहुल, कोहली, सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्षदीप, कुशल मेंडिस, राजपक्षे, कुरत्ने, शनाका, हर्षा अपना हसरंगा हो गए आपने ठीक है। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कमेंट मतलब आपको अगर आज अगर आपको मतलब आज इंडिया से कौन अच्छा रन बनेगा, कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा रन बनेगा और कौन आपको ऐसा लगता है कि कौन अच्छे विकेट निकाल पाएंगे आज इंडिया से श्रीलंका के हिसाब से, मतलब इंडिया आप ऐसे कर सकते हो इंडिया में से, मतलब कमेंट करो कि इंडिया में से कौन अच्छी बैटिंग करेंगे और बॉलिंग करेंगे, और श्रीलंका से कौन अच्छी बॉलिंग और बैटिंग करेगी, मुझे कमेंट करो और बताओ। और आज इंडिया को जीतना है और इसके लिए इंडिया के लिए अगर आप इंडिया से तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। श्रीलंका वाले को मैं नहीं बोलता कि श्रीलंका वाले मत सब्सक्राइब करो, वो भी चाहते होंगे तो वो भी सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, बट श्रीलंका दिस टाइम सॉरी बिकॉज इंडिया को जीतना जरूरी है भाई, सो सॉरी फॉर दैट, बट इंडिया जीतने वाली, दैट्स इट। सो बाय।